आज हम हलवाई स्टाइल भंडारे वाली आलू टमाटर की सब्जी और खस्ता पूड़ी बनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। कढ़ाई चढ़ा दिया, इसमें डालेंगे जीरा, हींग, आंच एकदम धीमा ही रखेंगे। सूखा मसाला भी डालेंगे हम इसमें, या आप थोड़ी देर के लिए गैस बंद करके सारा मसाला डालें। इसमें हम जो है हरी मिर्च और अदरक दरदरा कर लिए, आप इसको महीन महीन चॉप भी कर सकते हैं। आंच हमको एकदम धीमा रखना है। इसमें डालेंगे हम सूखा मसाला, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, टमाटर, नमक, जिससे जल्दी से टमाटर गल जाएगा स्वाद अनुसार। ढक के टमाटर को अच्छे से गलने देंगे, अब इसको ढक देंगे और टमाटर अच्छे से जब गल जाएगा तब इसमें आलू डालेंगे। हरा धनिया आधा चम्मच, सौंफ आधा चम्मच, जीरा, इसको हम खल में हल्का सा क्रश करके इसी सब्जी में डालेंगे। टमाटर चेक कर लेंगे, टमाटर अभी अच्छे से नहीं हुआ है, इसको अभी और पकाएंगे। ये जो हमने खड़ा मसाला लिया था क्रश करके, इसको हम थोड़े से घी में फ्राई करके सब डाल रहे हैं, इससे सब्जी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। टमाटर को ऐसे दबाते हुए अच्छे से पका लेंगे। अब इसमें डाल देंगे आलू। आलू को हमने काटा नहीं है, हाथ से ऐसे क्रश करके इसमें डालना है और इसको 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से भूनेंगे आलू को। आलू जितना अच्छा भूनेंगे उतना अच्छा सब्जी का टेस्ट आएगा, इसलिए आलू को हमें 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से भूनना है। देखिए सब्जी अच्छा सा भून गया है, तेल भी एकदम छोड़ दिया। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा कुछ मसाला, अमचूर पाउडर, इससे सब्जी का टेस्ट और भी दूना बढ़ जाएगा और थोड़ा सब्जी में अच्छा सा खटास भी आएगा। थोड़ा सा धनिया पाउडर, बहुत थोड़ी सी गरम मसाला, फ्रेश धनिया का डंठल और थोड़ा सा धनिया की पत्ती, और इसको फिर 1 मिनट के लिए भूनेंगे। इसमें देखिए हम गर्म पानी डालेंगे, इससे सब्जी में जल्दी से उबाल भी आ जाएगा और सब्जी का टेस्ट भी एकदम अच्छा रहेगा। गर्म पानी डालने से सब्जी में उबाल देखिए तुरंत आ जाता है, इसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा आता है गर्म पानी से। अब ढक के इसको हम 5 मिनट के लिए पकाएंगे। ये देखिए सब्जी हमारी 2 मिनट और हो गया, पक गया है। अब गैस बंद कर दिए हैं, अब इसमें हम डाल देंगे धनिया की पत्ती। और आखिरी में जो हलवाई लोग करते हैं, देसी घी में हमने कश्मीरी मिर्च और जीरा का छौंक लगाया था, लगा के रखे थे, अब ये सब्जी में डाल देंगे, इससे सब्जी का टेस्ट और रंगत दोनों बहुत अच्छा आएगा। ये देखिए कितनी टेस्टी सी सब्जी दिख रही है, भंडारे वाले आलू की चटपटी सब्जी, तीखी चटपटी बनके तैयार है। अब हम मसाला पूड़ी बनाएंगे, उसके लिए आटा तैयार करेंगे। आटा लगाने के लिए हम 1 बड़ा कटोरा आटा लिए हैं, कप से 2 कप। अब इसमें डाल देंगे 2 बड़ा चम्मच बेसन, 1 बड़ा चम्मच सूजी। अब इसमें डालेंगे कुछ मसाला, हल्दी पाउडर, हींग, नमक स्वाद अनुसार, धनिया पाउडर, अदरक, हरी मिर्च का पेस्ट
पेस्ट क्या दरदरा सा है, इसको मिक्सी में एक बार चला लिए थे, या इसको आप कूट के भी डाल सकते हैं। चटपटी पूरी एकदम बनेगी, तीखी चटपटी। गरम मसाला, जीरा पाउडर, मोम के लिए घी 2 चम्मच, अब इसको अच्छे से हम हाथ से पहले मिला लेंगे। आप इसमें चाहे तो लाल मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं, हम हरी मिर्च डाले हैं इसलिए लाल मिर्च का पाउडर नहीं डाल रहे हैं। अजवाइन हाथ से क्रश करते हुए इस तरह से, इससे इसका खुशबू बहुत अच्छा आता है क्रश करके डालने से। अब अच्छे से पहले सारे मसाले को मिला लेंगे इस तरह से, पूरे में मोम भी अच्छा सा लग जाएगा इस तरह से। अब आटे को हम अच्छे से लगा लेंगे, न गीला ज़्यादा करना है ना हमको बहुत सूखा रखना है, नॉर्मल आटा लगाना है। जैसे हम पूड़ी उड़ी का आटा सानते हैं बस उसी तरह का आटा लगा लेना है। ये देखिए आटा हमारा अच्छा सा लग गया है, ना गीला है और ना बहुत कड़ा है। थोड़ा सा इसमें घी लगा देंगे हाथ से, ऊपर से सूखे ना। 20 मिनट के लिए रेस्ट देंगे ढक के, 20 मिनट बाद हम पूड़ी तलेंगे। ये देखिए हमारे भंडारे वाली आलू की सब्जी बगैर लहसुन प्याज की और खस्ता पूड़ी बनके तैयार है। मेरे वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।